हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ बाय वसुंधरा एंड आज मैं आप लोगों को लव रीडिंग देने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून ये लव रीडिंग है फॉर माय लवली केप्रिकॉन्स एंड ये क्योंकि एक जनरल लव रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ सब कुछ रेजनेट ना करे तो जितना रेजनेट करे बस उतना ही पिक कीजिएगा एंड यू कैन लीव द रेस्ट ऑल्सो इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए हो तो प्लीज़ फील फ्री टू तो लेट मी नो इन द सेक्शन बिलो

विद रिगार्ड्स टू लव वॉट देर फॉर केप्रिकॉन्स इन द मंथ ऑफ जून ओके विद रिगार्ड्स टू लव ओके केप्रिकॉन्स लेट सी दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड केप्रिकॉन्स जब ये किसी की लव रीडिंग में आता है I always say this is a lovely card. This is a uh, twin flame energy. It is also a soulmate energy, Capricorns. Alright. I see that it's a 4 of Wands. Okay. Uh, then is your 8 of Wands. Okay. And the star. Okay. Whenever a star card comes, I always tell everybody to make a wish because those wishes can come true the eight of cups the three of swords the hangman and the page of cups okay let's shuffle one last time is there anything else I need to know about Capricorn with regards to love for the month of June 2024? Okay. The High Priestess. Alright, Capricorns. So let's begin. These are your cards. Okay. सो केपरे कॉन्स आई सी की विद द फोर ऑफ वॉन्स जैसा कि मैंने आपसे कहा इट्स अ ट्विन फ्लेम एनर्जी इट्स ए सोल मेट एनर्जी ओके आप में से हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने सोल मेट के साथ हैं या मतलब uh, इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है आपको एंड इट्स अ इट्स अ कार्ड ऑफ होम इट्स अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी आई सी यू बींग वेरी हैप्पी इमोशनली uh, मतलब घर वाइज आप बहुत ही फुलफिल्ड फील कर रहे हैं यू आर फीलिंग वेरी ग्रेट इन रिगार्ड्स टू योर होम यू आर हैविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ यू आर हैविंग वेरी सैटिस्फाइड लाइफ ओके इन रिगार्ड्स टू योर लव ओके देन देयर इज़ द एट ऑफ वॉन्स नाउ द एट ऑफ वान्स टेल्स मी कि आप में से कुछ लोग बहुत ही मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में कुछ बिजी हैं लाइक like, हो सकता है आप में से कुछ लोग यू नो मल्टीपल अफेयर्स कर रहे हैं इन योर रिलेशनशिप बट फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट यू आर वर्किंग हार्ड इन योर रिलेशनशिप मे बी यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर रिलेशनशिप ओके यू आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ मल्टीपल वेज टू प्रूव योर लव टू योर लवर ओके टू योर लव्ड वन एंड आई सी यू टेकिंग सम एक्शंस बट फॉर सम ऑफ यू लाइक आई सेड हो सकता है यू आर हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप्स ओके विद अ स्टार कार्ड आई सी दैट अगेन दिस इज़ अ मेजर आरकाना कार्ड इट्स स्टेपिंग स्टोन एंड आप में से जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं बता दूं कि जो मेजर आरकाना कार्ड्स होते हैं दे आर लाइक स्टेपिंग स्टोन बिकॉज इन पे यू आर बाउंड टू स्टेप मतलब कि ये होगा ओके okay? एंड uh, जितने भी माइनर आरकाना कार्ड होते हैं उनकी एनर्जी चेंज होती रहती है एज पर योर एक्शन ओके So, the star is a major arcana card. Now, when this card comes, I often tell everybody to make a wish because the wish may come true. It is always said that this is a very positive card, and it's a card of you know telling me that you have a lot of love to pour to your loved ones in a relationship that you are right now in. You are the person who has a lot of love to give to your partner, Capricorns. I see you. नोट टोटली इन्वेस्टेड इन योर रिलेशनशिप ट्राइंग टू यू नो उनको बहुत अच्छा फ़ील कराने की कोशिश कर रहे हैं प्यार जता रहे हैं बहुत बरसा रहे हैं उनके ऊपर भर भर के प्यार ऑल्सो आप में से कुछ लोगों को रिलेशनशिप में बड़ी एडमायरेशन मिल रही है हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत एडमायर कर रहा हो या हो सकता है कि आपको बाहर से लोग जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को बहुत एडमायर कर रहे हूँ ऑल राइट केप मूविंग ऑन टू योर एट ऑफ कप्स ना आप में से कुछ लोग जो हैं दैट्स जस्ट फॉर यू नो लाइक लॉर्ड ऑफ़ यू आई सी कि विद दिस कार्ड आई सी कि आप में से कुछ लोग एक पुराना ड्रामा एक पुराना क्योस छोड़ के कुछ हार्ट ब्रेकिंग थिंग्स छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स न्यू लाइट Okay, you are leaving your chaos behind, you are leaving your old feelings behind, you are leaving all the pain behind, Capricorns. I see you moving towards a new light. Okay. Uh moving on to your three of swords. I see. कि आप में से कुछ लोग आर रियली हार्ड ब्रोकन राइट नाउ जैसा कि मैं इसमें भी जैसा कि मैं बता पा रही थी इसको देख के भी सो so इसमें भी वही सेम एनर्जी नज़र आ रही है दैट यू आर रियली हार्ड ब्रोकन राइट नाउ एंड यू आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम योर हार्ट ब्रेक ओके तो हो सकता है कि आप बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो अभी अभी रीसेंट ब्रेकअप हुआ हो दिल दुखाया हो आपके लव्ड वंस ने आपका रिलेशनशिप में अभी कुछ ऐसे तकरार चल रही हो या ब्रेकअप के वर्ज पर हो आप लोग कुछ में से आप में से कुछ लोग तो ऐसा डिसीजन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है ब्रेकअप कर ही लेना ठीक रहेगा उसको पुल करके कोई फ़ायदा नहीं है हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं कि ब्रेकअप कर लेना ठीक रहेगा एंड उसको पुल करके कोई फ़ायदा नहीं है एंड यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड क्योस एंड ड्रामा इसीलिए यू आर वॉकिंग अवे ओके ना देयर इज़ एन अदर मेजर आरकाना कार्ड दैंड मैन नाव क्या है कैप्रिकॉन्स फॉर सम ऑफ़ यू आई विल टेल यू दैट इट इज़ लाइक अ डीले इन सम काइंड ऑफ अ डिसीजन हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू यू आर ट्राइंग टू गेट इन टू अर न्यू रिलेशनशिप आपको कोई नया रिलेशनशिप का ऑफर आ रहा है बट यू आर अनएबल टू एक्सेप्ट या आपने किसी को दे रखा हो एंड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट राइट नाउ दे वॉन्ट टाइम टू थिंक उन्होंने आपको बोला हो कि अभी वो एक बार रुक के सोचना चाहते हैं इस बारे में या हो सकता है आप में से कुछ लोग ब्रेकअप के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि अभी करें या ना करें कि बाद में करें तो इन एनी केस के प्रिकॉन्स जो भी अभी आपके लव लाइफ में, में हो रहा है ये मान के चलिएगा कि ये डेस्टिनी का खेल है बिकॉज इट वॉज मेंट टू बी ये डीले जो आपके डिसीजन में हो रहा है ये डीले जो आपके एक्शन में हो रहा है ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस वॉज मेंट टू बी ओके सो दिस इज़ योर मेजर आनकाना कार्ड सो डू नॉट इग्नोर दिस वन ऑल्सो मूविंग ऑन टू योर पेज ऑफ कप्स Now, पेज ऑफ कप्स इज़ टेलिंग मी अ very वेरी energy. एनर्जी आई सी समबड़ी विद वेरी चाइल्ड लाइक is हु इज़ मूविंग trying यू ट्राइंग टू यू आपको अपना प्यार प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं बिल्कुल इमेच्योर टीन एज एनर्जी है ठीक है इम्प्रेस कर रहे हैं बस इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं टोटली ओके okay? एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अ पास्ट लव इज़ कमिंग बैक कोई प्री पुराना आपका एक्स है जो कि वापस आने की कोशिश कर रहे हैं या आना चाह रहे हैं आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं के प्रॉन्स ओके okay? so that is visible with the page of cups. now moving on to your last card which is your again major arcana card the high priestess. इसके साथ में देख पा रही हूँ capricorns कि आप में से कई लोगों को कुछ intuition आ रही है regarding your love life and इसीलिए आप उस intuition पे मैं आपको कहूँगी कि आपको भरोसा करना चाहिए because intuitions बिना मतलब नहीं आते हैं just remember my words ओके सो व्हेन यू फील इंट्यूटिव अबाउट समथिंग यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू योर इनर सोल वॉइस एंड यू शुड ट्राई टू फॉलो इट सो केप्रिकॉन्स आई थिंक विद द हाई प्रीस्टिस देर इज वन मोर थिंग दैट आई नीड टू टेल यू कि आप में से कुछ लोगों को कोई सीक्रेट है जो रिवील होने वाला है कोई हिडन नॉलेज जो आप लोगों को पता लगने वाली है तो आप लोग अपनी ट्यूशन में बहुत अच्छे से बैठे हैं ऑल्सो आप में से कुछ लोगों को मैं बिल्कुल निडर देख रही हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं देख पा रही हूँ कि बिल्कुल बिना डरे स्ट्रेट बैठे हुए हैं कि कुछ भी आएगा आप झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जिसको कहते हैं मेंटली फिजिकली एकदम रेडी हैं इस चीज़ को झेलने के लिए आई सी यू फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट वेरी सिटिंग इन योर अपटाइट टाइट कि हाँ ठीक है जो होगा आई कैन फेस इट बिल्कुल घबराए बिना तो so this is a very good energy एनर्जी i see आई सी यू confident and कॉन्फिडेंट एंड in your इन योर is दिस इज़ ब्यूटिफुल सो आई होप कि एक जनरल रीडिंग आप लोगों के साथ रेजिनेट करती होगी इन रिगार्ड्स टू लव फॉर योर जून 2024, थाउजेंड ओके और आपके साथ क्या रेजिनेट करता है फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है अच्छा अगर आप में से किसी को इसके अलावा पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए हो तो अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी डिटेल्स शेयर कर सकूं ऑल्सो डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं आप लोगों की अनर्जी से कनेक्ट कर सकूँ एंड आप लोगों को और अच्छी रीडिंग दे सकूँ जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो मैं आप लोगों की एनर्जी से जुड़ जाती हूँ मानिए इस बात पर तो उस तरीके से मैं आप लोगों को और भी अच्छी रीडिंग्स दे पाऊंगी तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर